देश भर की कलाओं को एक बंधन में पिरोते जाएंगे। एक जो हुए हम तो क्या ना कर जाएंगे। एक अथवा पैतनेश। अब बताइए किस तरह से स्मार्ट सिटी का काम, स्मार्ट सिटी इसको कैसे स्मार्ट सिटी बनवा देंगे। अभी चार दिन पहले रोड बना है, अभी से ही चार दिन में इसकी एक बारिश में ऐसी हालत हो गई है, ऐसे कैसे इसको स्मार्ट सिटी कैसे बनेगा ये। अच्छा, अभी चार दिन पहले ही रोड का काम चला और चार दिन में ऐसी बुरी हालत हो गई रोडों की। किस तरह से यहाँ से निकलते हैं, यहाँ से निकलते हुए हालत बिल्कुल ऐसी हालत हो जाती है कि रोज कोई ना कोई, अभी भी थोड़ी देर पहले भी एक जने की गाड़ी स्लिप हो गई, बेचारे को बुरी तरह लगी है। अभी उसको ले गए, अब उसका क्या होगा क्या नहीं है पता ही नहीं है। उसको ले गई गाड़ी, दो गाड़ी स्लिप हुई है अभी अभी। क्या मानते हो हॉस्पिटल भी है इस रोड पे, दो तीन जनाना भी जाते हैं और वही तो कितना टाइम खराब होता है ना, महिला को प्रसव हो यहाँ से ले जाने में कितना कितनी तकलीफ होती है। अब है कैसे बनेगा स्मार्ट वटी, ये तो पता ही नहीं। हाँ, एक बारिश में ही कह रहा, एक बारिश में मेन जबकि स्टेशन के सामने, ये रेलवे स्टेशन इसके सामने ही ऐसी हालत है। ये 8-10 दिन पहले रोड बना है और ये पहली बारिश में इतने गड्ढे हो गए, लोग इतने परेशान हो रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले भी एक स्कूटर वाला यहाँ गिरा, अपनी फैमिली सहित बेचारे गिर गए, पूरे गंदे हो गए, लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। यहाँ छींटे भी हमारी दुकान तक आ रहे हैं, मतलब बार बार साफ़ करना पड़ रहा है, बहुत मतलब हालत ख़राब हो रही है, बहुत परेशानियाँ हो रही हैं। अच्छा, तो क्या मानते हो आप अजमेर स्मार्ट सिटी बनने जा रहे हैं, तो ये चार दिन में ऐसे सड़कें अभी ऐसा रहेगा तो क्या स्मार्ट सिटी बनेगा, और क्या मतलब कोई लोगों को मतलब सुविधाएं नहीं है, कोई मतलब सब ऐसा मतलब हो रहा है, बिल्कुल गंदा काम हो रहा है सारा। नहीं तो जो ये स्मार्ट सिटी का काम चल रहा है, ऐसे में ये सड़कें अभी बनाई गई है स्मार्ट सिटी की तरफ से, और तो ये पुल भी बन रहा है, तो क्या मानते हो कि पुल में भी ऐसे क्या, और क्या पुल में भी ऐसा ही माल लग रहा होगा। अभी सड़क में आप देख लो नमूना, अभी पहली बारिश में ये हाल है, कितने गड्ढे हो गए, कितने मतलब वो है। तो पुल बनेगा तो ये भगवान ही मालिक होगा, कैसे बनेगा क्या मतलब इसका आगे रिजल्ट रहेगा।